हेलो गाइस, मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ स्पेशल और स्मार्ट कुकिंग टिप्स लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको वो टिप्स बेहद पसंद आएगी। तो गाइस, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में दी गई कुकिंग टिप्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए, ताकि इस प्रकार की टिप्स आपको रोज़ाना मिलती रहे। तो गाइस, इसी प्रकार से बने रहिए मेरे ज्ञान दर्शन चैनल पर। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आइए देख लेते हैं कि कुकिंग की बेस्ट टिप्स कौन कौन सी हैं। तो हमारा पहला टिप्स है, पराठे बनाते वक्त आटे में एक उबला हुआ आलू कद्दूकस करके मिलाने से पराठा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और सेकेंड टिप्स है, पकौड़ियाँ बनाते टाइम अगर उसके घोल में एक चुटकी अरारोट और थोड़ा सा गर्म तेल मिला दें तो फिर पकौड़ी ज़्यादा कुरकुरी व टेस्टी बनती है। पकौड़े सर्व करते समय इन पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लें और इससे पकौड़े अधिक स्वादिष्ट लगते हैं। रायते में अगर हींग और जीरा भूनकर डालने के बजाय हींग और जीरे का तड़का लगाया जाए तो फिर रायता ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। खीर के चावल को अगर मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लिया जाए और फिर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दिया जाए तो फिर 3 से 4 महीने तक चलते हैं। कढ़ी में जब तक उबाल ना आ जाए तब तक चलाना चाहिए और उबाल आने के बाद स्लो आंच पर पकाना चाहिए। दूध को उबालने से पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लें और फिर इसमें दूध डालें, इससे दूध बर्तन की तली में नहीं चिपकेगा। भिंडी को ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें। पराठे तेल या घी के बजाय अगर मक्खन में बनाएं तो ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। नूडल्स उबालते समय उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक व तेल की 2 बूंदें डाल दें और निकालने के बाद उन्हें ठंडे पानी से धो लें तो नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं। दालों को कीड़े से सुरक्षा करने के लिए उसमें कैस्टर ऑयल की 3 से 4 बूंदें डाल दें। अगर आप कच्ची सब्ज़ी को सलाद के तौर पर सर्व करना चाहती हैं तो फिर एक बार उसे पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में सब्ज़ी को अच्छे से धो लें। तो गाइस, ये थी कुकिंग की कुछ बेस्ट टिप्स। आई होप कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी और अपने लिए यूज़फुल भी लगी होगी। तो गाइस, इसी प्रकार से बने रहिए मेरे ज्ञान दर्शन चैनल पर। और इस प्रकार की स्पेशल और स्मार्ट कुकिंग टिप्स पाने के लिए मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त होती रहे, ताकि इस प्रकार की स्मार्ट और स्पेशल कुकिंग टिप्स आपको रोज़ाना मिलती रहे। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।